हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिज़ाइन कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंक्रीट इन अंडर स्पेशल कंडीशंस। जो कंक्रीटिंग करेंगे स्पेशल कंडीशंस के लिए, मतलब कि वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, उसके बाद में वर्क इन अंडर वाटर एंड वर्क इन एग्रेसिव सॉइल। ठीक है, ये तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं जो कि स्पेसिफाइड है IS-456-2000 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 14 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। कॉन्क्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशंस कौन कौन सी होती है? सबसे पहली वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, सेकंड होती है अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग वर्क, थर्ड कॉन्क्रीटिंग ऑन एग्रेसिव सॉइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्सट्रीम कंडीशन मतलब हॉट वेदर कंडीशन और कोल्ड वेदर कंडीशन होता है। कोल्ड वेदर कंडीशन का एक एग्जांपल आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो कंक्रीटिंग ऑपरेशन डन एट ए एटमोस्फेरिक टेम्परेचर अबोव 40 डिग्री सेल्सियस। जो कॉन्क्रीटिंग का जो वर्क करने वाले हैं वहाँ पर जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए हॉट वेदर में। ठीक है, IS-7861 Part 1 1975 गिव्स द रिकमेंडेड प्रैक्टिस विच इम्प्रूव द कॉन्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स इन फ्रेश एज वेल एज हार्डन स्टेट। ठीक है, जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिए हैं वह उससे हम कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्पेशल जो केयर्स हमें करनी चाहिए, स्पेशल केयर शुड बी टेकन। देखो सबसे पहले टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें जो उसका जो टेम्परेचर है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? देखो कंक्रीट जो एग्रीगेट होता है उसमें देखो जो एग्रीगेट हम स्टोर करते हैं वो स्टोर हमें अंडर शेड्स में स्टोर करना चाहिए और उसको या हमें कूल रखना चाहिए बाय यूजिंग द वाटर। ठीक है, अब जो वाटर हम यूज करने वाले हैं वो वाटर कैसा होना चाहिए? ठीक है, उस वाटर का टेम्परेचर देखो इन द फॉर्म ऑफ आइस होना चाहिए या फिर नियर द फ्रीजिंग पॉइंट, उसका वाटर का जो टेम्परेचर है वो वैसा होना चाहिए। उसके बाद में सीमेंट, देखो सीमेंट का जो टेम्परेचर है वो रिस्ट्रिक्टेड है एट 77 डिग्री सेल्सियस। 77 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो था टेम्परेचर कंट्रोल। अब देखते हैं मिक्स डिज़ाइन के लिए हम कौन कौन सी केयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यूज ए लो सीमेंट कंटेंट। ठीक है, लो सीमेंट कंटेंट यूज़ करेंगे और सीमेंट विथ लो हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हीट ऑफ लो हाइड्रेशन। ठीक है, सीमेंट ऐसा यूज़ करेंगे जहाँ पर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। उसके बाद में यूज अप्रूव्ड एडमिक्सचर्स फॉर रिड्यूसिंग द वाटर डिमांड। ठीक है, अप्रूव्ड एडमिक्सचर्स यहाँ पर यूज करेंगे जिससे वाटर डिमांड कम होगी। उसके बाद में प्रोडक्शन एंड डिलीवरी थर्ड। ठीक है, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी के बारे में देखते हैं। देखो टेम्परेचर ऑफ कॉन्क्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट शुड बी बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो कॉन्क्रीट का टेम्परेचर है वो मेंशन किया है, ना कि एटमोसफेयर का। ठीक है, जो कंक्रीट का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद में देखो द मिक्सिंग टाइम शुड बी हेल्ड एट मिनिमम। ठीक है, जो मिक्सिंग का टाइम होता है वो कम से कम होना चाहिए और जो पीरियड है, ठीक है, पीरियड बिटवीन मिक्सिंग एंड डिलीवरी शुड बी केप्ट मिनिमम। ठीक है, डिलीवरी और मिक्सिंग का जो पीरियड उसके बाद उसके बीच में जो पीरियड होता है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वन है प्लेसमेंट एंड क्यूरिंग। ठीक है, देखो प्लेसिंग कॉन्क्रीट फॉर्मवर्क्स देन रेनफोर्समेंट्स सब ग्रेड शुड बी केप्ट कूल बाय स्प्रेइंग विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, ये जो फॉर्मवर्क रेनफोर्समेंट सब ग्रेड है वो कूल वाटर से हमें स्प्रे करना चाहिए और उसको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, देखो कॉन्क्रीटिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इवनिंग एंड नाइट। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड फिनिशिंग कॉन्क्रीट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, फिनिशिंग और कॉम्पैक्शन का के बाद हमें वाटर को जो कॉन्क्रीट है उसको इवापोरेशन से दूर रखना चाहिए, इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर नहीं होने देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो अगला जो वीडियो होगा वो होगा अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के ऊपर। ठीक है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और आपको इस वीडियो का कंटेंट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ले लीजिए।
சத்தமே.